हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो YouTube भूषण रेड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं HB-E5 Raptor इस हेडफोन के बारे में। इसे लेकर के मुझे हो चुका है लगभग एक महीना, यानी एक महीने के बाद वाला ये जो रिव्यू वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। गाइस, आप सभी को तो पता ही है ये हेडफोन लेकर के एक महीना हो चुका है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो बात कर ली थी इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये आ जाता है 10mm के ड्राइवर के साथ। एंड इसके साथ ही साथ इसके अंदर आपको देखने मिल जाते हैं काफ़ी और भी चीज़ें, जैसे कि इसका जो इम्पीडेंस होता है वो लगभग 16 ओम का इम्पीडेंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। स्पीकर की सेंसिटिविटी जो होती है वो लगभग 105 dB से लेकर के प्लस माइनस 3 dB तक आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। एंड साथ ही साथ जो माइक की सेंसिटिविटी होती है वो लगभग आपको 42 dB से लेकर के प्लस माइनस 3 dB तक आपके यहाँ पे गाइस देखने मिल जाती है। अगर गाइस हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में, तो आप इसे जिम में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जॉगिंग के वक्त यूज़ कर सकते हो, गाड़ी पे भी यूज़ कर सकते हो, भागते वक्त भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब एक साइड से हर जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे गाइस नहीं आने वाली आपको, ठीक है। अगर बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है गाइस यहाँ पे। एंड जो बेस आपको सुनने मिलता है, जो वोकल्स आपको सुनने मिलते हैं, वो सभी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ है कि अगर आप 80 या 90 से तक चले जाओगे ना ऐसे, तो ज़्यादा थोड़ा सा केबल आपको सुनने मिल सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 70 पे सुनते हो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साउंड आपको यहाँ पे सुनने मिलता है बेस के साथ। अगर मैं बात करूँ इसके प्रोडक्ट के लुक्स की, तो प्रोडक्ट के लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड ओवरऑल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ हमें यहाँ पे देखने मिल जाती है। पीट्रोन का ब्रांडिंग आपको देखने मिल जाता है, लेफ्ट एंड राइट आपको यहाँ पे मार्किंग करके ली गई है। एंड 3.5mm का जैक भी आपको यहाँ पे गाइस देखने मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ यहाँ पे लगती है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स की गाइस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के फीचर्स है वो कुछ इस तरह से है, मतलब जो माइक आपको यहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे आपको एक बटन भी मिलता है। अगर आप वो बटन एक बार प्रेस कर रहे हो तो सॉन्ग आपका प्ले पॉज होता है, अगर दो बार प्रेस करोगे तो आगे वाला सॉन्ग मतलब जो है वो प्ले हो जाता है, यानी अगर 3 बार टैप करते हो तो पीछे वाला मतलब प्रीवियस वाला सॉन्ग यहाँ पे जो है प्ले होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं करके देखा तो ज़रूर से करके देख सकते हो। एंड अभी बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये हेडफोन्स ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। नेगेटिव ऐसे मुझे कुछ लगे नहीं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आप 90-100 पे जा करके सुनते हो तो थोड़ा केबल आपको ज़्यादा सुनने मिल सकता है, लेकिन वो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि आप जो आइडल स्टेट होती है ना, मतलब 70 से लेकर के 80 में भी आप सुन सकते हो मैक्सिमम, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना क्योंकि कानों के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए 60-70 पे अगर आप सुनते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम आराम से क्लियर क्लियर आपको यहाँ पे गाइस साउंड क्वालिटी सुनने मिल जाती है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू था। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसे गाइस परचेस कर सकते हो, ठीक है। गाइस, वीडियो देखने के लिए आप सभी का काफ़ी शुक्रिया। एंड मैं आप सभी को मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपकी अगर किसी दोस्त को ये हेडफोन्स लेना होगा तो उसके साथ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मैं आप सभी को मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।